यूपी सरकार ने काम न करने वाले पुलिस कर्मियों को समय से पहले रिटायरमेंट देने का फैसला किया है। इसके लिए 50 की उम्र पार कर चुके पुलिस कर्मियों की लिस्ट बनेगी। 30 जून तक आईजी एडीजी से सूची मांगी गई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। और आइए बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहने के सस्पेंस के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि गैर गांधी पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार को संगठन के भीतर सक्रिय रहना होगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी गांधी मुक्त कांग्रेस चाहती है, ताकि कांग्रेस मुक्त भारत का उनका सपना पूरा हो सके। अय्यर ने कहा कि अगर राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष बने रहते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन साथ ही राहुल की इच्छाओं का भी सम्मान होना चाहिए। वहीं बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर वार किया। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस में कठपुतली अध्यक्ष बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि गांधी परिवार का प्रभाव बना रहे। मणिशंकर अय्यर के बयान पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, हम इनसे बात करते हैं। सर, उन्होंने कहा कि गैर गांधी परिवार का पार्टी का प्रमुख हो सकता है, लेकिन संगठन के भीतर उनको सक्रिय होना पड़ सकता है। अब देखिए, कांग्रेस में कई नेता ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक अस्तित्व केवल परिवार के गुणगान गाने से होता है, और वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये परिवार के नाम पर इस प्रकार उनके पक्ष में बयान देते रहते हैं। कांग्रेस एक 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 डायनेस्टिक पार्टी है, वंशवाद वाली पार्टी है, इसमें किसी दूसरे नेता के लिए जगह नहीं है। यहाँ कोई दूसरे नेता पार्टी के जातीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, और यदि बने भी, मणिशंकर अय्यर यही कह रहे हैं, तो गांधी परिवार को ही चलाना पड़ेगा। कोई नया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उनको कठपुतली की तरह बन के रहना है, ये उनका उद्देश्य है। तो इससे बिल्कुल वंशवाद की जो कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगता है ये कहीं मिटने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। मणिशंकर जी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन आज की परिस्थिति में गांधी फैमिली या जो कहा जाए कि राहुल गांधी जी को ही कांग्रेस को लीड करना चाहिए, उसका नेतृत्व संभालना चाहिए। आज कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का विश्वास, कांग्रेस जनों का विश्वास नेहरू गांधी फैमिली पर है।